नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मोरबादी के समक्ष, जहां पे आज सालखन मुर्मू जी ने यहां पे जो मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा है वो निकल चुकी है। और अब वैसे भी जमशेदपुर में कल ये यात्रा निकाली गई थी और आज जो है रांची तक पहुँच चुके हैं। वहीं साथ में हमारे साथ मौजूद है सालखन मुर्मू जी, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अब आप लोग जो है मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा अब निकल चुकी है, कल वो जमशेदपुर से शुरू हुई है और आज आप लोग रांची में उपस्थित हैं। क्या लगता है कब तक चलेगी ये और कहां से शुरू हुई है, क्या कुछ होगा? पारसनाथ पहाड़ को हम आदिवासी लोग मारंग गुरु कहते हैं, वो हमारा ईश्वर है। आज वहां विवाद शुरू हुआ है, लेकिन उस पहाड़ पे पहला हक हम आदिवासियों का है, क्योंकि 1911 साल में प्रिवी काउंसिल लंदन ने भी आदिवासी के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखकर भारत सरकार को दे दिया कि इस पहाड़ पर केवल जैन धर्मावलंबियों का अधिकार है, तो हम आदिवासियों को, मारंग गुरु को, हमारे भगवान को उन्होंने टोटली दरकिनार कर दिया। एक प्रकार से हम कहेंगे हमारे भगवान को बेच दिया। तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसके पुनर्बहाल के लिए कल 17 जनवरी 2023 को 5 प्रदेश के लगभग 50 जिलों में धरना प्रदर्शन भी हुआ और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया कि मारंग गुरु को फिर से आदिवासियों को दिया जाए। और कल ही की तारीख से मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा का प्रारंभ जमशेदपुर से हमारे नेतृत्व में हुआ। हमारे साथ सुमित्रा मुर्मू जो संगल की केंद्रीय संयोजक भी हैं, और आज हम लोग रांची आए हैं। रांची में आदिवासी संगल अभियान की जो जोनल कमेटी है और रांची जिला कमेटी, उनके साथ अभी हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना में हैं कि मारंग गुरु भी बचे, सारना धर्म कोड भी 2023 में हर हालत में मिले। आज के बाद हम कल रामगढ़ जिले में जाएंगे, फिर 20 तारीख को हज़ारीबाग जिला, 11 तारीख को जामताड़ा, 22 तारीख को दुमका, 23 जनवरी को गोड्डा जिला, यानी कि 24 जिले में घूमने का काम। हाँ, 24 जिले में नहीं 24 जिला नहीं, 5 राज्य के 50 जिला, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिलों तक जाएंगे जो आदिवासी बहुल जिले हैं। और इन उन जिलों के लोग मारंग गुरु का मतलब समझते हैं, आदिवासी का मामला समझते हैं, तो इन जिलों में जाने का उद्देश्य है आदिवासी के अस्तित्व की रक्षा करना, उनको जोड़ना। और ये जो यात्रा है ये 28 फरवरी अर्थात फरवरी के अंत तक चलेगा, और इस बीच में हम लोग 1,00,000 सैंगल सेना खड़ा कर रहे हैं ताकि इस लड़ाई को हम मुकाम तक ले जाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसा ना कर बैठे कि सरकार या समाज के लिए दिक्कत पैदा हो, उसके पहले भारत सरकार और राज्य सरकार को आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके एक सम्मानजनक फैसला निकालना चाहिए। पारसनाथ पहाड़ पर हम आदिवासियों का अधिकार को बहाल करना चाहिए, वहाँ हमारा ईश्वर है मारंग गुरु, उसको साथ सम्मान पुनर्बहाल करना चाहिए, और वो भी लिखित रूप से। नहीं तो अभी जेएमएम का एक विधायक गिरिडीह में जो है और सरकार में जगन्नाथ महतो मंत्री जी ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, वहाँ सब चीज़ ठीक ठाक हो गया है। अरे कागज़ में तो ठीक ठाक नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए ये लोग जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। सर, कहीं ना कहीं भारत सरकार को जो चिट्ठी भी भेजी गई है, सर इसमें क्या कुछ नहीं? वही तो, भारत सरकार को जो झारखंड सरकार ने चिट्ठी भेजी उसने भी लिख दिया कि ये जैन लोगों का पहाड़ है, भारत सरकार ने भी वैसे ही लिख दिया, तो दोनों सरकारों ने हम आदिवासियों को एक प्रकार से ठगने का काम किया है। अरे भारत देश में हम भारत के सबसे पुराने आदिवासी हैं, ना हमारा धर्म मानते हो सरना धर्म कोड, ना हमारे भगवान को मानते हो, इसलिए अभी हमने पारसनाथ पहाड़ के साथ ये मांग रखी है कि भारत देश में जितने पहाड़ पर्वत हैं सबको आदिवासियों को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि हमारी देवी देवताओं का भी सम्मान रहे और प्रकृति पर्यावरण का भी संरक्षण हो, जिस काम को आदिवासी ठीक से कर सकते हैं। अन्यथा ये जो वन विभाग है और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये जंगल को काट के टिम्बर बना के बेचने का काम कर रहे हैं, खनिज खदान का उत्खनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और प्रकृति पर्यावरण का नष्ट हो रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज भी खतरनाक अभी
पूरे दुनिया में हो रहा है। तो पर्वत पहाड़ ही हमारा ईश्वर है। आदिवासी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति केंद्रित ईश्वर भी नहीं मानते हैं। तो हम लोग को पहाड़ पर्वत में रहने दो, पूजा पाठ करने दो, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करने दो, तो पारसनाथ मरंग गुरु भी हमको दे दो। जैन लोग कहीं और भी अपना मंदिर बना सकता है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये लोग जो है अब यात्रा पे निकल चले हैं, वहीं मरुम गुरु स्थल बचाने को लेकर के भी इन लोग की लंबी यात्रा जो है जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब किसके पक्ष पे निर्णय लेती है। जीएन भारत से नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।